देख रहे हैं न्यूज वन और मैं हूं नायमा तारिक। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आईसीसी को बता दिया मैच फिक्सिंग में क्या हुआ, गलती करने वाले बच्चों को सजाए देंगे। चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मोहम्मद इरफान के खिलाफ तहकीकात चल रही है, मामले पर तहकीकाती कमेटी जल्द बनाएंगे। मैच फिक्सिंग क्यों की, कौन कौन मुलविस है, खालिद लतीफ सहाफियों के सवालात से परेशान, वजाहत दी ना ही ठोस दलाइल। फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस खिलाड़ी कन्नी कतरा गए, सहाफियों को नो कमेंट्स कहा और चलते बने। पीसीबी ने भी तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। मैच फिक्सिंग की गूंज मैदानों से ऐवानों तक जा पहुंची, सेनेट की कायमा कमेटी के रुकन इकबाल मोहम्मद अली मैच फिक्सिंग पर बरहम, चेयरमैन पीएसएल और पीसीबी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तैयारियां और इंतजार सब धरा रह गया, वैलेंटाइन डे से कबल मंचलों को बड़ा धचका, आवामी मकामात पर वैलेंटाइन डे नहीं मना सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, मीडिया को भी फौरी तौर पर वैलेंटाइन डे की तशहीर से रोक दिया। कराची में समा टीवी की डीएसएनजी पर हमले में तैमूर की हलाकत, मुकदमा नॉर्थ नाजमाबाद थाने में दर्ज, कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल, तैमूर की नमाज जनाजा भी अदा, सियासी व समाजी रहनुमाओं की शिरकत। पहले सड़कें फिर घर अब अस्पताल, कराची के शहरी गैर महफूज हो गए, डाकुओं ने निजी अस्पताल पर धावा बोल दिया, फायरिंग से सिक्योरिटी अहलकार शदीद जख्मी, न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज, वजीर आला सिंध ने आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। ड्रग एक्ट में तरामीम नामंजूर, सिंध और पंजाब के दवा साज सरापा एहतजाज, मेडिकल स्टोर्स बंद, हड़ताल के बैनर्स लगा दिए, अद्वियात की तरसील मुतासिर, मरीज रुल गए। कराची में भी होलसेल डीलर्स ने एहतजाजन मार्केट्स बंद कर दी। और उर्दू के खूबसूरत लबो लहजे वाले शायर फैज अहमद फैज का आज 106वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, मुनफरिद अंदाज़े बयान ने फैज अहमद फैज को लाजवाल बना दिया।